Hello everyone, let's start to our chapter number 3 in our supplementary reader, The Desert. Those of us who live in regions covered with a forest and surrounded by hill may find it difficult to imagine what a desert is really like. यानी जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जो जहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत सारे हिल्स से कवर्ड एरिया है, तो उनको लगता है कि डेजर्ट मतलब रहने की जगह नहीं है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल एंड देयरफॉर नो वेजिटेरियंस ग्रो. और एक बात उनके बीच में फेमस हो गई है कि डेजर्ट एरिया जो होता है ना, वो रहने लायक जगह नहीं होती है, बहुत ही ड्राई प्लेस होता है और वहाँ पे वेजिटेबल्स का भी अच्छे से ग्रो नहीं होता है. ऐसी बातें उनके बीच में फैल चुकी होती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वो प्लेस कैसी होती है, तो ड्राई होती है, वाटरलेस होता है और वहाँ पे घर भी नहीं होते. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी बातें बिल्कुल सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. और जिन्होंने इस पर स्टडी किया है, स्टडी करके उनको पता चला है कि डेजर्ट भी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है. इट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्नड टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. तो उन्होंने सर्च करके ये पता करा है कि वहाँ पे रहने की बहुत ज़्यादा वैरायटी है. पीपल्स भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, एनिमल्स भी बहुत टाइप के होते हैं और प्लांट्स भी वहाँ पे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक हॉट और ड्राई प्लेस में रहने की एक आदत उनके अंदर हो चुकी होती है. वो उनमें एक कंडीशन उनके अंदर बन गई होती है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and tree as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. अब ये बात तो सच है कि वहाँ पर हमेशा जो है वो grass, plant और trees grow नहीं हुए रहते हैं हर एक climate में. But जब वो रेन होती है तो पूरा डेजर्ट है वो फ्लावर्स से, और वहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल गार्डन यानी कि एक भरा हुआ गार्डन जैसे एरिए बन जाते हैं जब बारिश होती है तब. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट अनचेंजिंग वाटर सॉरी वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. डेजर्ट जो है वो हमेशा फ्लैट नहीं रहता है, वहाँ की जो लैंड है वो सैंड से हमेशा चेंज होती रहती है और कभी कभी कैसी हो जाती है कि माउंटेन और हिल्स के जैसी. इट मे हैव एन ओशिस, बिग और स्मॉल. ओशिस क्या होता है? सो ओशिस इज़ दी जो रेत से बनी हुई एक हिल्स टाइप लाइक दिस, हिल्स जैसा बन जाता है किस से, रेत से, ये होता है ओशिस. An oasis is like a green island in the middle of a desert, where a spring or a well gives plants and tree a better chance to grow. Oasis से क्या होता है, जैसे बीच में पानी रहता है और आसपास में इस टाइप से oasis बन जाते हैं रेत से, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. A desert may be not like the thar or cold लाइक लद्दाख. और डेजर्ट जो है वो हमेशा थार के जैसे हॉट या फिर हमेशा लद्दाख जैसे कोल्ड नहीं रहता. बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ द प्लेस हैज़ लिटर और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. समटाइम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कभी क्या होता है कि पूरा विदाउट वाटर होता है. इन सच अ प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो राइजिंग हीप ऑफ सैंड and deposing them as a mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sand. अब हमेशा जो है डेजर्ट का एटमॉस्फेयर जो है सेम नहीं रहता है. कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन्स भी होती है और कभी बहुत ही एकदम बिल्कुल सूखा सा रह जाता है. प्लेसेस होते हैं वो एकदम सूखे रहते हैं, हॉट रहते हैं. सैंड ड्यून्स क्या होता है, जैसे मैंने आगे आपको समझाया कि सैंड ड्यून्स
हाउसेस के अंदर हर तरफ ऐसे बीच में थोड़ा सा पानी रहता है और आसपास रेत ही रहती है और सैंड ड्यून्स जो ऐसे हिल्स जैसा एरिया हो जाता है। और प्लांट्स जो हैं वहाँ पे ये ड्राई प्लेस में रहने के लिए वो सर्वाइव कर चुके होते हैं, उस टाइप के उनका जो प्लांट्स का स्टेम्स होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, वो इस टाइप रहने में वो सर्वाइव करने में फिक्स हो चुका रहता है। ओके, नाउ टू गेट ऑन नेक्स्ट पेज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक जीव जो होता है, हर एक एनिमल्स जो है, उसे जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ डेजर्ट हैव डेवलप द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको डेजर्ट में रहने के लिए ही वो जैसे बने हुए रहते हैं, उनका बॉडी का एबिलिटी जो होता है उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि ज़्यादा पानी पीने वाले एनिमल्स और कम पानी जिसको चाहिए वो एनिमल, तो वो होता है एक तो हमारा कैमल जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। द कैमल पॉपुलरली नो एज द शीप ऑफ द डेजर्ट, शीप ऑफ द डेजर्ट के नाम से कौन सा एनिमल जाना जाता है, इट्स अ कैमल। कैन ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर एट वन टाइम, और वो एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, द रीज़न इज दे स्वीट वेरी लिटल। कैमल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है, और उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि उसको पसीना जो होता है, स्वीट मीन्स पसीना, वो बहुत ही कम आता है। We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. जो हमारा पसीना जो है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, कि जब हॉटनेस होती है तो हमारा स्वीट हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर हॉट होता है तो हमें पसीना आ जाता है, राइट। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल्स की जो बॉडी है वो हाई टेम्परेचर होती है, दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन्स द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो कैमल की बॉडी किस टाइप की होती है कि उसको ज़्यादा पसीना नहीं होता है और इसलिए वो पानी पिए बिना बहुत टाइम तक रह सकता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट। और जो छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट के, उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बुरो, बुरो यानी घुस जाना, कहाँ पे घुस जाते हो, अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर घुसे हुए रहते हो पूरा दिन, और फिर कब निकलते हो, खाने के वक्त रात में। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, अदर ईट प्लांट एंड सीड्स एंड गेट द वाटर they need from plants juices। और कुछ animals क्या करते हैं तो वो दूसरे animals को खाते हैं ताकि उनके अंदर जो पानी है वो उनकी body में आ जाता है, और कुछ plants को खाते हैं जिसके उनको moisture मिल जाता है, meat जो दूसरे animals का meat होता है वो खाते हैं, उनसे उनको moisture मिलता है और वो लोग खा लेते हैं, और जो seeds होते हैं वो seeds खा के भी उनकी body का temperature जो है वो उसको पानी मिल जाए, इतना वो सीड्स और प्लांट्स खा लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट हेमसेल्व टू द लाइफ दे हैव लीड, कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, द रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। और उसके अलावा जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो भी डेजर्ट में हमें दिखते हैं, यहाँ पे देखो आप कैक्टस प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये टाइप के कैक्टस प्लांट्स जो हैं उनके जो रूट और स्टेम्स होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, सरफेस एरिया से, ग्राउंड से, ताकि उनको पानी का जो मॉइस्चर है वो उनको मिलता रहे। द मेजर फीचर ऑफ द डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इन द ह्यूमिड क्लाइमेट, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और जो डेजर्ट की मेन चीज़ क्या है कि उनका जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट मीन्स कैसा, यानी हवा में थोड़ी सी नमी होना, पानी टाइप होना, और वो कैसे वर्क करता है, एज अ ब्लैंकेट के जैसा वर्क हमारे जो अर्थ है उसके लिए करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द
desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. तो ये जो humid climate है वो कैसे work करता है कि जब दिन में वो एकदम से थोड़ा ठंडा रहता है और फिर heat होता है, sorry, desert जो है वो थोड़ा heat रहता है और फिर रात में वो कूल हो जाता है. जैसे ही रात होती है तो वो जो क्लाइमेट है वो पूरा चेंज होके कूल हो जाता है. तो इस तरीके से उनका जो नेचर का बैलेंस है वो बना रहता है. डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. डेजर्ट भी हमारे जो नेचर्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन. जैसे कि डेंस फॉरेस्ट होते हैं घने जंगल और डीप ओशन जैसे हमारे नेचर का एक अर्थ का पार्ट है, वैसे ही डेजर्ट भी हमारे नेचर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके सो स्टूडेंट्स वी नो दिस कि डेजर्ट जो है वो भी हमारे अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. So here our this lesson the desert over and I will send you the question answers that one copy in your notebook. Thank you.